आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मिस्टर नेत्र अर्थात नेत्र पटेल। कैरी मिनाटी ने हाल ही में एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी अब तक की सबसे बड़ी वीडियो आने वाली है। ये इंडिया का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है। तो मैंने बनाई है अपनी लाइफ की सबसे बड़ी वीडियो, मतलब अभी तक आई डोंट थिंक इतना ऑल आउट कभी गए हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, मतलब आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा कोलैब है ये, और मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिगरा मूवी आने के बाद आलिया भट्ट की फेक वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो के आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। पूरी वीडियो मैं यहाँ पर नहीं दे सकता क्योंकि स्ट्राइक आ सकती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। ये वीडियो AI के यूज करके बनाया गया है। थोड़े टाइम पहले यही चीज रश्मिका मंदाना के साथ भी हुई थी। अगली खबर है पूरव झा की, जिनके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोअर्स कम्प्लीट हो चुके हैं। मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं सलमान खान के केस की। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि अगर सलमान खान राजस्थान के मंदिर में पूजा करके माफी मांगेगा तो वो सलमान खान को छोड़ देगा। उस विवाद में सलमान खान के सलीम खान ने कहा है कि मेरा बेटा बिश्नोई कम्युनिटी से माफी नहीं मांगेगा। मेरे बेटे ने काले हिरण को नहीं मारा है, हम तो कॉकरोच को भी नहीं मार सकते। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। अगली खबर है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। पिछले कुछ दिनों से गौरव तनेजा और रितु राठी के डिवोर्स की खबर आ रही थी, लेकिन अब सब सॉल्व हो चुका है। दोनों ने साथ में एक पोस्ट भी डाली है, और करवा चौथ के दिन जब रितु राठी मेहंदी लगा रही थी तब भी गौरव तनेजा उनके साथ थे। अगली खबर है डॉली चायवाला की, जिन्होंने 19 अक्टूबर को एक स्टोरी डाली थी भोले बाबा केदारनाथ के वहाँ से। उनके इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। डॉली भाई को भी मेरी तरफ कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं ध्रुव राठी के फैंस की। कोरोलिना गोस्वामी करके एक यूट्यूबर है जो इंडिया में रहती है, उनको ध्रुव राठी के फैंस परेशान करते हैं। इसके लिए वो जब भी बाहर जाती है तो बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकलती है, क्योंकि ध्रुव राठी के फैंस कभी उनकी कार तोड़ डालते हैं तो कभी उनका फोन छीन लेते हैं। अगली खबर है ठगेश भाई की, यानी महेश केशवाला की। फोर्ब्स ग्लोबल मीडिया वालों ने इंडिया टॉप डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में ठगेश भाई को 5th रैंक दिया है। उनको भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। इस दिवाली पर भूलभुलैया 3 रिलीज होने वाली है, जिसके प्रमोशन के लिए कार्तिक आर्यन सर और एलन वॉकर एक साथ स्टेज पर नजर आए। अगली खबर ताराबाई जोगिंदर की। उनकी एक नई रील आई है जिसमें अपने फेस पर लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और उस वीडियो में सबको बोल रहे हैं कि थोड़ा पैसा अपने खुद पर भी इन्वेस्ट करो। भाई आप लोग भी ना इतना पैसा कमाते हो, थोड़ा सा ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि क्या फायदा उन पैसों का अगर आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो। अब बात करते हैं यार तेरा सुपरस्टार की, मतलब मैं हनी सिंह की बात कर रहा हूँ। स्पॉटिफाई ने हनी सिंह को #1 स्पॉटिफाई आर्टिस्ट का टैग दिया है, और नीचे लिखा है हनी बिकम्स स्पॉटिफाई मोस्ट स्ट्रीम सोलो हिप हॉप आर्टिस्ट विद 3 मिलियन डेली स्ट्रीम्स। इससे ज्यादा तो क्या ही चाहिए हनी भाई। यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज, रैपर्स, गेमर्स से जुड़ी ऐसी और बातें जाननी है तो मिस्टर नेत्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।